हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में कई ग्रामीण सड़कों की बरसात की वजह से हालत खस्ता हो गई है। सड़कें खराब होने से बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही है। वाहन चालकों को भी इन सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने मांग की है कि बागवानों की समस्याओं को देखते हुए इन सड़कों की हालत को जल्द सुधारा जाए। हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों में सेब सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है। बगीचों से सेब मंडियों में पहुंचाने का कार्य जोरों पर है, लेकिन कई ग्रामीण संपर्क सड़कों की दशा खराब होने से सेब वाहनों को सेब मंडियों में पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। बरसात के दौरान बारिश से कच्ची सड़कें खराब हो गई हैं। दलदल के कारण सेब से लदे वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं। खासकर ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में सड़कों की दशा ठीक न होने से वाहन चालकों को परेशानियां पेश आ रही हैं। बागवानों को भी सड़कों की दशा ठीक न होने के कारण सेब ढुलाई का किराया अधिक देना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि सड़कें ठीक न होने से वाहनों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भाड़ा भी अधिक लेना मजबूरी बन गया है। चालकों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत की वजह से समय भी अधिक लग रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि इन दिनों सेब का सीजन पीक पर है और सड़कों की हालत काफी दयनीय बनी हुई है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द सड़कों की दशा सुधारी जाए। आए दिनों रोड के तो आप हालात देखते होंगे। ये टिकर टू खमाडी जो रोड है, सिंगल वे रोड, और ऊपर से गड्ढे हर कदम में। आजकल हमारा सीजन पीक पे है, एप्पल सीजन, तो यहाँ पे ग्रोबर के साथ साथ ड्राइवर लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें गाड़ी का भी बहुत नुकसान है, ग्रोबर को तो नुकसान होता है, आप देखते होंगे हादसे भी काफ़ी हो रहे हैं। मैं रामपुर मतलब ननकड़ी आया हूँ, खनोग। ये रोड बहुत ही ख़राब है, और जैसे हम गाड़ी लेके जाते हैं फिर बहुत ही नुकसान होता है गाड़ी का। नंदकड़ी तहसील खमाडी करौली से बोल रही हूँ। यहाँ पे रोड के बहुत ही खस्ते हाल है, जो कि गाड़ियों में आने जाने में बहुत समस्या होती है, कीचड़ से बुरे हाल है। मैं चाहती हूँ कि इससे जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वे बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए सेब बहुल क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी सेब बागवान हैं और बागवानों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बागवानों की सुविधा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों को उनके हाल पर छोड़ा है। मुझे काफ़ी अच्छे से जो हमारे बागवान हैं, मैं खुद भी बागवान हूँ, बार बार मुझसे कह रहे थे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आप आकर स्वयं देखें। तो मैंने दो दिन पूरे खेत से लेके हमारा जो लास्ट पराला मंडी है वहाँ दौरा किया। बहुत विषम परिस्थिति, और ऐसा लगता है कि सरकार ने बागवानों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि हर जगह सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि अभी कोरोना महामारी का काल है, बहुत ज़्यादा खतरा लोगों पर मंडरा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। मैंने पिछले कल दो दिन पूर्व शिमला में प्रेस वार्ता भी की, और मैंने सरकार को सुझाव भी दिए और चेतावनी भी दी। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।